स्वामी जी महाराज जो फरमाया भक्ति प्रेम इश्क ये तीनों एक ही चीज के नाम, भक्ति कहो प्रेम कहो इश्क कहो जबान और है मतलब वही। ये हमारी आत्मा में जातीत में शामिल है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका कुदरती खासा है कहीं न कहीं लग कर रहे, आत्मा चेतन स्वरूप है, इसने लगना था परमात्मा से, महाचेतन प्रभु से, लग गई दुनिया से, नतीजा इसका नाम मोह पड़ गया है प्रेम। उसका नतीजा क्या हुआ? जहां आता था बसंत, जब से हम परमात्मा से जुदा हुए अभी तक वहां नहीं गए, क्योंकि हमारा जो प्रेम था वो उल्टी जगह लग गया। मानव जन्म भागवत से मिला है, इसमें फिर से हम अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ सकते हैं, जुड़े उसका रस मिले तभी प्रेम होना, जिसको देखा नहीं रस मिला नहीं उसका प्यार कैसे हो सकता, समझे में? तो मानव देह में अगर हमारा प्यार प्रभु से बन गया तो समझो काम बन गया, अगर नहीं बना तो मानव जन्म से हमें फायदा नहीं था, क्योंकि मानव जन्म छोड़कर और जिन्हें जूनी है सब भोग जूनी है। मानव जन्म में कुछ स्वतंत्रता है जिसमें हम उसे फायदा उठा सकते। अब प्रेम क्यों जरूरी है? जरूरत क्या? कुदरत में शामिल जरूरत तो है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन का बदलना, कैसे बदले? जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे हो सकता है? दुनिया को तो हम देखते हैं ना, जिसको देखा नहीं उसको प्यार कैसे? तो देखने के लिए किसी सच रूप से उपदेश। अब उचेत स्कॉर्पियो से ले सतगुरु की ओर से आगे मनुष्य जन्म कई बार पाया है, आगे हमारा प्रेम उसी जगह लगा रहा, हमने फायदा नहीं उठाया, आपके फिर मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हम इससे फायदा उठाए, आगे नहीं हो चाहे तो अभी नहीं, अपने प्रेम प्रभु से लगाओ, उसके लिए क्योंकि देखा नहीं, देखने के लिए क्या करना होगा? जो दिखा सकते हो सीखो उसको, वो क्या करेगा? सदगुण मिले ताकि बेहतर वहां बुलाएगा, जिसे देखने वाला बनेगा उसका रस मिला प्यार बनेगा, तो इसका एक ही इलाज। भक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जात में सब है, इसका खासा कहने के लिए तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, इसका खासा कहीं न कहीं लगकर लगेगी। तो परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम है, जिनकी पूजा पाठ या करते उसका मतलब क्या? जमाने तो उसका प्यार हो बात।